पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली रोड स्थित नए मुरादाबाद में लोहिया ग्रुप द्वारा लोहिया वर्ल्ड स्पेस वन प्रोजेक्ट का भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हो गया। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पीयूष लोहिया ने बताया कि उनकी कंपनी ने रियल एस्टेट में अपना पहला कदम आगे बढ़ाया है। मुरादाबाद ही नहीं, भारत के अन्य शहरों में भी वर्ल्ड स्पेस लोहिया कंपनी हाउसिंग भी कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके दादा स्वर्गीय नारायण कुमार लोहिया का ये सपना था कि लोहिया ग्रुप का विस्तार हो और लोहिया ग्रुप रियल एस्टेट में अपना नाम रोशन करे। पीयूष लोहिया ने बताया कि मुरादाबाद में हम लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में विला मॉल और हर्बल पार्क भी होगा। यह हाउसिंग सोसाइटी आधुनिकतम सुविधाओं से लैस होगी। उन्होंने कहा कि अभी भूमि पूजन करके इस प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत की गई है। भैया सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज अच्छा कार्यक्रम किया गया, किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और मुरादाबाद के लोगों को क्या उपहार मिलेगा? आज हमने नई कंपनी लोहिया वर्ल्ड स्पेस लोहिया ग्रुप फैमिली के अंदर नई कंपनी लोहिया वर्ल्ड स्पेस का स्टार्ट आरंभ किया है। उसके पहले प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है, अभी मैं नाम नहीं बता पाऊँगा। क्या क्या रहने वाला है इसमें और किस तरह से मुरादाबाद के लोगों को? इस प्रोजेक्ट का लॉन्च हमने अभी 3 महीने बाद का प्लान किया है और इसकी ज़्यादातर डिटेल मैं तभी दे पाऊँगा। तो मुरादाबाद बात करें, मुरादाबाद से क्या स्पेशल रहेगा या कुछ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आज भूमि पूजन हो गया, मुरादाबाद को कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी सौगात मिली, तो क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मुरादाबाद मेरा भी घर है और मुझे लगता है कि शहर अब मुरादाबाद नए मुरादाबाद की तरह जाना जाए। तो हमारा सोच है कि जिस तरीके से दिल्ली NCR के अंदर अब सोनीपत इंक्लूड हुआ है, वैसे ही नया मुरादाबाद भी उसमें, और यहाँ बहुत जल्द मेट्रो और नई सेवाएं उपलब्ध हो, नए लाइफस्टाइल की तरफ रियल एस्टेट कंपनीज यूज़र्स को लेके जाए। अच्छा, मुरादाबाद में कहें कि उसी तर्ज पर अपना उसी प्रोजेक्ट उसी तर्ज पर आगे बढ़ेगा जिस तरह से शहर स्मार्ट होगा। डेफिनेटली। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।